हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे किचन में। आज हम बनाएंगे राज कचौरी। राज कचौरी स्ट्रीट फूड में बहुत ही फेमस है और उसे घर पे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। चलिए राज कचौरी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप सूजी ली है। आधा कप मैदा लिया है। यहाँ पे मैं कोई बेकिंग सोडा या कोई भी मोन का यूज़ नहीं करूँगी, ऐसे ही हम इसे बनाएंगे। थोड़ा सा नमक डाला है और गुनगुने पानी से हम उसका सॉफ्ट डो लगाएंगे। सूजी पानी को ऑब्जर्व कर लेता है, इसलिए एकदम सॉफ्ट ही डो लगाना है, क्योंकि बाद में ये डो हार्डी हो जाएगा। ये देखिए, एकदम सॉफ्ट डो लगा लिया है मैंने। और हम इसे ढक के 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए और हमारी पूरी एकदम खस्ती और करारा बने। इसके लिए 10-15 मिनट के बाद हम डो को ले लेंगे और हाथों की मदद से अच्छे से उसको मसल लेंगे। मसल के हम उसका एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे। लोया तैयार करके हम उसकी आप अपने हिसाब से पूरी की साइज रख सकते हो, छोटी या बड़ी। मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ की पूरी तैयार कर रही हूँ। और ये देखिए, मैंने पूरी बेल के तैयार कर ली है। इसे ढक कर ही रखना है ताकि वो ऊपर से सूख ना जाए। आटे को भी ढक के रख देंगे। और एक पूरी मैं आपको बेल के उसकी थिकनेस बता देती हूँ। ऐसे ही हम सारी पूरी को तैयार कर लेंगे और ढक के ही इसे रखेंगे। तेल मैंने पहले से ही गरम करने के लिए रख दिया था। अब हम छोटा सा पार्ट इसमें डाल के चेक कर लेंगे और तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है। अब हम उसमें पूरी डाल के हम इसको हल्के हाथों से प्रेस करते जाएंगे और पूरी को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। इसी तरह हम तेल को ऊपर डालते जाएंगे पूरी के ऊपर, और जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। और इसी तरह हम सारी पूरी को तैयार कर लेंगे और इसे खुला ही रखना है। फ्राई करके हम थोड़ी देर के लिए सभी पूरी को खुला ही छोड़ देंगे, ताकि हमारी पूरी एकदम क्रिस्पी रहेगी और सॉफ्ट नहीं होगी। और ये हमारी पूरी फ्राई होके रेडी हो गई है। अब हम इसको साइड में रख देंगे और इसके लिए हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, थोड़ी सी हींग डाली है, थोड़ा सा कड़ी पत्ता और ग्रीन चिली, ग्रिंजर और गार्लिक का पेस्ट डाला है। और 1 मिनट के लिए हम इसको सोते कर लेंगे। फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। मसाले को हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। मसाले हमारे भून के रेडी हो गए हैं। अब हम इसमें स्प्राउट किए हुए मूंग और चना डालेंगे। आप इसको बॉईल करके भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे बॉईल नहीं किया है, मैंने यहाँ पे तड़का लगाया है। इस अच्छे से इसको पकाएंगे। अब यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून गार्लिक की चटनी डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाले वरना स्किप भी कर सकते हो। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसे पकाएंगे। अब हम इसको ढक के 5 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि ये जो मूंग और चने हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। 5 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेंगे। चने और मूंग हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए। ठंडा होने के बाद हम इसमें अब आलू डालेंगे। मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, थोड़ा सा हरा धनिया,
थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, भुना हुआ जीरा और सभी को मिला लेंगे। और हमारा ये स्टफिंग रेडी हो गया है। आप स्टफिंग अपने हिसाब से बना सकते हो। मैंने यहाँ पे तड़का लगाया है, आप नहीं चाहे तो आप इसका तड़का नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। और ये देखिए हमारी पूरी एकदम क्रिस्पी और बहुत ही अच्छी बनी है। अब हम इसमें स्टफिंग भर देंगे। इसमें हमने डाला है थोड़ा सा कैरेट और थोड़ी प्याज, थोड़ा बीटरूट। बीटरूट और कैरेट को मैंने कद्दूकस करके लिया है, आप चाहे तो काट के भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दही डाला है, दही में मैंने थोड़ी शुगर पाउडर डाली थी, स्वीट दही डाला है, आमचूर की मीठी चटनी डाली है। आमचूर की चटनी के बजाय आप खजूर आमले की चटनी का भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ी सी ग्रीन चटनी, ऊपर से थोड़ा सा दही, थोड़ा अनारदाना, थोड़ी बारीक वाली सेव, ऊपर से थोड़ा बीटरूट, थोड़ी सी ऑनियन, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, ऊपर से थोड़ा अनारदाना और ये हमारी कचौरी रेडी हो गई।